गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा, इन लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड में हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में दो केसेस होते हैं, बेनिफिट्स टू द नेशन एंड बेनिफिट्स टू द फर्म. बेनिफिट्स टू द नेशन हमने स्टडी कर लिया था, जिसमें जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, लाइक गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है कंट्री में, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है. ये बेनिफिट्स होते हैं नेशन को. अब हम स्टडी करेंगे बेनिफिट्स टू द फर्म. फर्म को क्या बेनिफिट होगा अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड में अपने आप को इंडल्ज करेगी तो. ओके, सो फर्म को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. नंबर वन, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि सरप्लस जो है वो हम वहाँ एक्सपोर्ट कर देते हैं. जैसे मान लो कि मेरी कंट्री में जो गुड्स की डिमांड है वो 80 यूनिट्स की डिमांड है ओवरऑल, और मेरी जो मशीनरी है वो प्रोड्यूस कर सकती है 150 यूनिट्स. एग्जाम्पल दिया था ये मैंने आपको. तो 80 यूनिट्स की डिमांड है तो मैं 80 प्रोड्यूस करूँगी, चाहे मेरी मशीनरी 150 कर सकती हो चाहे 1000 कर सकती हो. भैया डिमांड तो 80 की है तो मुझे तो 80 प्रोड्यूस करना पड़ेगा. नहीं, आप 150 प्रोड्यूस करो, जो आपकी सरप्लस प्रोडक्शन होगी 70 यूनिट्स की, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. एक्सपोर्ट करोगे तो बेनिफिट कंट्री को भी मिलेगा, बेनिफिट आपको भी मिलेगा. ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट. When you indulge yourself in international trade, तो higher profit के prospects जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, कि जहाँ मैं पहले profit सिर्फ 80 unit से ले पा रही थी, अब मैं वो profit अपना increase करके 150 unit से ले सकती हूँ, क्योंकि मेरी मशीनरी तो तभी उतनी यूज़ हो रही है. मेरी मशीनरी 80 यूनिट्स में भी यूज़ हो रही है, मेरी मशीनरी 150 यूनिट्स में भी प्रोड्यूस हो रही है, तो मेरे लिए तो बेनिफिट 150 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है रादर देन प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स, राइट. तो यहाँ पर आप हाइयर प्रॉफिट्स के प्रॉस्पेक्ट्स अपने बढ़ा सकते हो. व्हेन द डोमेस्टिक प्राइजेज आर, और स्पेशली जब आपको लगता हो कि अपनी कंट्री में आप इतने हाई प्राइस पर नहीं सेल कर सकते, व्हेन द डोमेस्टिक प्राइजेज आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, बिजनेस फर्म्स कैन अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट वेयर प्राइजेज आर हाइयर. अगर आपको लगता है कि आपकी अपनी कंट्री में उसका प्राइस आपको उतना नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको एक्सपोर्ट करोगे और वहाँ एक्सपोर्ट करोगे जहाँ पे आपको लगता है कि आपके अच्छे प्राइजेज आपको मिल जाएंगे, आपको रिटर्न जो है वो रेवेन्यू जो है वो अच्छा जनरेट हो जाएगा. तो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट एक बेनिफिट हो जाता है फर्म को. नेक्स्ट इज इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाता है कि भैया मशीनरी तो यूज़ होनी है, वो मशीनरी मेरी 80 यूनिट्स में भी यूज़ हो रही है, वो मशीनरी मेरी 150 यूनिट्स में भी यूज़ हो रही है, तो मेरे लिए तो बेनिफिट वही है जब मैं 150 यूनिट्स करूँ कि एक्स्ट्रा 70 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ, उसको एक्सपोर्ट करूँ और उससे प्रॉफिट कमाऊँ. ठीक है, तो इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हो जाता है. प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ, ऑफ कोर्स ग्रोथ के भी चांसेस बढ़ेंगे. जब मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगी, ज़्यादा सेल करूँगी, ज़्यादा रेवेन्यू मेरे पास आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट मैं कमाऊँगी, तो ऑफ कोर्स मेरे ग्रोथ के चांसेस रहेंगे, इंक्रीज होंगे. इंटरनेशनल बिजनेस इज अ गुड ऑप्शन फॉर द फर्म हुज प्रोडक्ट्स स्टार्ट गेटिंग सैचुरेटेड इन द लोकल मार्केट. स्पेशली उन फर्म्स के लिए बेनिफिशियल है, उन फर्म्स के लिए ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके अपनी मार्केट में, मतलब अपनी कंट्री की मार्केट में एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है आपके प्रोडक्ट का, कि भैया इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं बिक सकता, एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है. तो अब आपको कस्टमर चेंज करने की ज़रूरत है. अब कस्टमर तो आप चेंज कर नहीं सकते, कस्टमर तो वही है जो है. आप क्या करोगे, आप अपना जहाँ पे आप सेल कर रहे हो उस जगह को चेंज कर लोगे, कि पहले मैं सिर्फ इंडिया में सेल कर रही थी, अब मैं आउट ऑफ इंडिया भी सेल करूँगी. ठीक है, सच फर्म्स कैन कंसिडरेबली इम्प्रूव प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ देयर ग्रोथ बाय एंटरिंग इनटू द ओवरसीज मार्केट. में एंटर करके वो अपने ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. दिस इज़ द प्राइम रीज़न फॉर मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज टू एंटर इनटू द मार्केट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. स्पेशली यहाँ पे देखा हो कि इंडिया में हम बात करें तो कितनी MNCs खुल रही हैं, आ चुकी हैं कितनी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो अपनी कंट्री में एक सैचुरेशन लेवल पे आ चुके थे. स्पेशली अगर जैसे आपकी एग्जांपल लिया जाए, ये पेप्सिको वगैरह हैं, पेप्सिको वगैरह इनकी अपनी कंट्री में इतनी डिमांड नहीं है जितनी इनके इंडिया में है. क्यों? क्योंकि इंडियंस अभी डेवलपिंग कंट्री है, अभी फिर भी लोगों को धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड है. वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड इतनी नहीं है, जूसेस की डिमांड ज़्यादा है. यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की भी इतनी ही डिमांड है, और वही सेम चीज़ वो लिक्विड है, उसमें गैस है और फ्लेवर ऐड किया हुआ है और कुछ भी नहीं है.
फिर भी उनको लगता है वो बहुत अच्छा प्राइजेस वो इंडियन मार्केट से ले रहे हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो इंडियन मार्केट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंट्री में सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके थे कि लोग इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, इससे ज़्यादा लोगों की कंजम्पशन लेवल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज़ वे आउट टू इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम, मतलब इट इज़ एन ईजी वे आउट, यू कैन एस्केप योर सेल्फ फ्रॉम द इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, कि डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारे ऐसे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, कस्टमर तो मेरा वहाँ कभी भी फिर शिफ्ट हो जाएगा, मैंने ज़रा सा प्राइस बढ़ाया हुआ मेरा कस्टमर भाग के दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस इंटेंस कॉम्पिटिशन से बचने के लिए आप अपना प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में ना सेल कर आप फॉरेन मार्केट में सेल करोगे, दूसरी कंट्रीज़ के मार्केट में सेल करोगे, तो वहाँ पर हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके, इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मेनी कंपनीज, एग्जाम्पल HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, फॉर्ड मोटर्स है, एक्सेट्रा, इज एसेंशियली अ पार्ट ऑफ द बिजनेस पॉलिसीज और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द विजन टू बिकम इंटरनेशनल कम्स फ्रॉम द अर्ज टू ग्रो, द नीड टू बिकम मोर कॉम्पिटेटिव, द नीड टू डाइवर्सिफाई, द नीड टू गेन स्टोर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। जैसे आपकी कितनी कंपनीज ऐसी हैं, मतलब आपका एक बिजनेस विजन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है कि भैया सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं, आप बाहर भी जा सकते हो, आप अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, सिर्फ आपको लिमिट रहकर अपनी ही बाउंड्रीज में नहीं रहना, आप आउट ऑफ योर बाउंड्री मूव करके भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो फर्म को होते हैं इन केस ऑफ योर इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज योर डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? डोमेस्टिक बिजनेस तो क्या है, जो आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में रहकर जो आप कर रहे हो वो डोमेस्टिक है, घर की घर में, मतलब कंट्री, अपनी ही कंट्री में आप उसको कर रहे हो। एंड वेन यू आर गोइंग बियॉन्ड योर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, दैट मीन्स यू आर गोइंग आउट ऑफ योर कंट्री टू डू बिजनेस, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, बोथ द बायर्स एंड सेलर्स आर फ्रॉम द सेम कंट्री। इन केस ऑफ योर डोमेस्टिक बिजनेस आपके बायर और सेलर जो है वो सेम कंट्री के होंगे, बट इन केस ऑफ योर इंटरनेशनल बिजनेस आपके बायर और सेलर जो है वो अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। नेक्स्ट इज इन दिस बिजनेस द वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स लाइक सप्लायर, एम्प्लॉयज, मिडल मैन, जो भी आपके अलग अलग स्टेक होल्डर्स आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे आपके अपनी ही कंट्री इंडिया के ही होंगे, इफ आई एम इंडियन। ओके, बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि आपके वो इंडिया के हों, वो किसी भी कंट्री के, आपके सप्लायर हो सकता है किसी और कंट्री के हों, आपके मिडलमैन किसी और कंट्री के हों, आपके शेयर होल्डर किसी और कंट्री के हों, बिकॉज यू आर गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ योर ओन कंट्री। ओके, नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल इज रिलेटिवली मोर विद इन अ कंट्री। द डिग्री ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, मूवमेंट हो सकती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लाइक लेबर कैपिटल इजिली मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, बट द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज इज रिलेटिवली लेस, बट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर कैपिटल, इनकी जो मोबिलिटी है, इनकी जो मूवमेंट है अक्रॉस कंट्रीज बियॉन्ड बाउंड्रीज जो है वो डिफिकल्ट होती है, कंपेरेटिवली लेस होती है एज कम्पेयर टू वेन यू आर डूइंग बिजनेस इन योर ओन कंट्री। ओके, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक मार्केट्स आर रिलेटिवली मोर होमोजीनियस इन नेचर। डोमेस्टिक मार्केट होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस मतलब सिमिलर, सेम होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड है, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट लैक होमोजेनिटी ड्यू टू डिफरेंसेज इन लैंग्वेजेस। हर कंट्री की अपनी अपनी डिमांड होगी, प्रेफरेंसेज अलग होंगी, कस्टम्स अलग होंगे, अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग डिमांड्स होंगी आपकी। ओके, इन केस ऑफ योर डोमेस्टिक बिजनेस इट इन्वॉल्व्स होमोजीनियस बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। बिजनेस सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस भी आपके होमोजीनियस होंगे, बट इन केस ऑफ योर इंटरनेशनल मार्केट बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वेरी कंसिडरेबली अक्रॉस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते हैं आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस और सिस्टम। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम, हेंस कंपैरेटिवली लेस रिस्की। इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस पॉलिटिकल सिस्टम एक ही है, जो इंडिया का इस टाइम पे रूलिंग पार्टी जो है आपकी वो एक है, तो कंपैरेटिवली लेस रिस्की है, बट
व्हेन यू गो बियॉन्ड कंट्रीज बियॉन्ड योर बाउंड्रीज, तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम दो कंट्री के इफेक्ट करेंगे. अगर आप चार कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो चार कंट्री के इफेक्ट करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जैसा होगा उनका, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसा होगा उनका, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के डिसीजंस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के लॉज होंगे, और उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग ही मुझे फॉलो करना पड़ेगा और मुझे अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा. तो मतलब इफ़ आई एम डूइंग बिजनेस इन फोर कंट्रीज तो मुझे चार कंट्रीज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर सकते हैं, बट इफ़ आई एम डूइंग बिजनेस ओनली इन माय ओन कंट्री तो मुझे सिर्फ अपनी ही कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रूल्स लॉज एंड पॉलिसीज टैक्सेशन सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ अ सिंगल कंट्री. वही सेम चीज़ कि डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो रूल्स लॉज पॉलिसीज टैक्सेशन सिस्टम सब एक ही सिंगल कंट्री का रहेगा. बट वैन यू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, वैन यू इंडल्ज योर सेल्फ इन एन इंटरनेशनल बिजनेस, तो आपका जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन सिस्टम है, वो डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा. पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी वैन यू आर डूइंग बिजनेस इन डोमेस्टिक. वैन यू आर डूइंग डोमेस्टिक बिजनेस तो आपको जो पेमेंट मिलेगी वो होम करेंसी में मिलेगी, बट इन केस ऑफ एर इंटरनेशनल बिजनेस करेंसीज ऑफ मोर देन टू कंट्रीज आर यूज. ओके, पेमेंट्स आर मेड बाय कैश और चेक. इन केस ऑफ योर डोमेस्टिक बिजनेस चेक से भी हो सकती है, कैश से भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, बट आपकी जो इंटरनेशनल बिजनेस के केस में पेमेंट्स आर डन ओनली थ्रू बैंक्स. ओके, इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक बिजनेस रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट इज यूज मेजरली, बट इन केस ऑफ योर इंटरनेशनल बिजनेस आप जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो दैट इज शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. दीज वर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन योर डोमेस्टिक बिजनेस एंड योर इंटरनेशनल बिजनेस. रीड इट केयरफुली. उसके बाद इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद योर एक्सपोर्ट ट्रेड और इसका एक्सपोर्ट प्रोसीजर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विल डू दैट इन योर नेक्स्ट क्लास. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. Thank you.